सो यू नो दैट आई एम यूजिंग माई मैकबुक एयर M1 फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. इनफैक्ट तुम में से बहुत से लोगों को मेरे इस चैनल के बारे में मेरे मैकबुक वीडियो से ही पता चला है. अपने मैकबुक के बारे में मैंने बहुत सी बातें बताई है बट आई नेवर टॉक्ड अबाउट द एक्सेसरीज आई एम यूजिंग विद इट. सो इन दिस वीडियो आई शो यू एवरी सिंगल थिंग दैट आई यूज विद माई मैकबुक रेगुलरली. नाउ इस वीडियो से मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि तुम भी एक्जैक्टली यही सारी चीजें खरीदो, या तो तुम इनसे बेटर या थोड़ा सा बजट फ्रेंडली खरीद सकते हो, क्योंकि मैं जो भी एक्सेसरीज यूज करता हूँ वो एक्सपेंसिव और बजट फ्रेंडली दोनों का मिक्सचर है. सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो. सो द वेरी फर्स्ट थिंग आई एम यूजिंग विद माय मैकबुक इज दिस लैपटॉप कैरी स्लीव. नाउ दिस स्लीव इज कंपैटिबल विद 13 टू 14 इंच लैपटॉप्स. अंदर की तरफ यहाँ पे प्रोटेक्टिव कुशनिंग है अलोंग विद दिस सॉफ्ट फर कोटिंग, जो कि तुम्हारे मैकबुक को छोटे मोटे टेबल बम्प से इजिली प्रोटेक्ट कर लेगा. ऑल्सो सामने की तरफ तुम्हें दो और स्टोरेज कंपार्टमेंट्स मिलते हैं जिसमें तुम अपने केबल्स, SSDs, माउस या और भी काफी सारी चीजें कैरी कर सकते हो. अब यहाँ पे जो ये वेस्टेड लिखा है ये बेसिकली एक स्टिकर है जो मैंने इसके कॉर्नर एज में लगाया है, जिसकी वजह से ज्यादा कुछ नहीं, बस ये स्लीव थोड़ा कूल दिखता है. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज दिस लैपटॉप स्टैंड. बेसिकली ये स्लीव और ये लैपटॉप स्टैंड मैंने एक ही साथ खरीदा था. नाउ दिस लैपटॉप स्टैंड इज मेड ऑफ एल्युमिनियम अलॉय व्हिच इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्लेस योर लैपटॉप ऑन. ऑल्सो ये 6 डिफरेंट हाइट एडजस्टमेंट्स के साथ आता है जिससे तुम अकॉर्डिंग टू योर कम्फर्ट अलग अलग एंगल्स पे अपने लैपटॉप को यूज कर सकते हो. साथ ही बॉटम में और सामने की तरफ तुम्हें रबर ग्रिप्स मिलते हैं व्हिच प्रोटेक्ट्स योर लैपटॉप फ्रॉम स्लाइडिंग ऑफ. ऑल्सो इसके साथ तुम्हें ये कैरी स्लीव भी मिलता है ताकि इसे बैग में कैरी करते वक्त ये अपनी आसपास की चीजों को स्क्रैच या डैमेज ना कर दे. सो द नेक्स्ट थिंग इज दिस USB-C हब फ्रॉम Amazon Basics. अब अगर तुम एक MacBook Air खरीदते हो तो उसमें तुम्हें सिर्फ दो C-type पोर्ट और एक 3.5mm का हेडफोन जैक मिलता है. सो आई थिंक USB-C हब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेसरी यू शुड बाय विद योर MacBook. अब शायद मैं तुम्हें ये Amazon Basics वाला USB-C हब रेकमेंड ना करूं क्योंकि थोड़ा ज्यादा टाइम तक यूज करने से ये बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी ये मेरे MacBook से ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है. नाउ इफ यू आर टाइट ऑन बजट तो तुम एक ऐसा नॉर्मल सा चीप USB-C हब यूज कर सकते हो, बट फॉर इंटेंस वर्क सेशंस आई विल रेकमेंड यू टू बाय समथिंग ऑफ अबव 3000 रुपीस लाइक फ्रॉम एंकर और यूग्रीन. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज माय SSD. ये बेसिकली 1 TB SATA SSD है व्हिच इज पेयर्ड विद कैबलेट का USB 3.0 SSD एनक्लोजर. नाउ ये काम तुम्हें तभी करना चाहिए अगेन व्हेन यू आर स्ट्रिक्ट ऑन योर बजट. आइदर यू शुड गो फॉर अ प्रॉपर एक्सटर्नल SSD और यू शुड इन्वेस्ट इन एक्सपेंसिव SSD एनक्लोजर्स. अब इस SSD एनक्लोजर से ट्रस्ट मी अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, बट इसका रीड एंड राइट स्पीड इज वेरी स्लो. ऑल्सो इस एनक्लोजर का ये कॉम्पैक्ट डिजाइन भी मुझे काफी ज्यादा पसंद है. एंड अगेन अपने SSD को थोड़ा सा कूल दिखाने के लिए यहाँ पे ये लिमिटेड एडिशन का स्टिकर. नाउ यू कैन कंसिडर दिस SSD एनक्लोजर. क्रैश हो जाना, डिस्कनेक्ट हो जाना या ओवर हीट हो जाना, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम इस SSD में अभी तक तो मुझे फेस नहीं करना पड़ा, बस वही रीड एंड राइट इज क्वाइट स्लो. अब ऐसा भी नहीं कि एकदम ही ज्यादा स्लो, बट हाँ डिसेंटली स्लो. द नेक्स्ट थिंग इज अ माउस. दिस इज Asus Marshmallow और मेरा इस माउस को खरीदने का सबसे बड़ा रीजन था इसका कॉम्पैक्ट साइज. अब तुम इसे अपने लैपटॉप के साथ वाया वाईफाई डोंगल या ब्लूटूथ दोनों से ही कनेक्ट कर सकते हो. ऑल्सो इसमें तुम्हें 3 DPI सेटिंग्स मिलता है, 800, 1000 या 1600. नाउ ड्यू टू इट्स कॉम्पैक्ट साइज इसे अपने साथ कैरी करना बिकम्स वेरी इजी. द नेक्स्ट थिंग इज अ कीबोर्ड. नाउ आई एम यूजिंग कीक्रॉन K6 मैकेनिकल कीबोर्ड विद माय मैकबुक. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मैकेनिकल कीबोर्ड जो मैंने अभी तक यूज किया है. इसका क्लिक साउंड इज जस्ट सो सैटिस्फाइंग. तुम इस कीबोर्ड को वाया केबल या वाया ब्लूटूथ अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हो. ऑल्सो ये विंडोज और मैक ओएस दोनों के साथ ही कंपैटिबल है, जिसमें तुम्हें इन द बॉक्स विंडोज या मैक ओएस के इंपॉर्टेंट कीज अलग से मिलते हैं जिसे तुम अपने यूजेज के हिसाब से स्विच कर सकते हो. एंड यस, दिस इज एन RGB मैकेनिकल कीबोर्ड जिसमें तुम्हें वेरियस RGB सेटिंग्स मिलते हैं. सो द लास्ट थिंग यू कैन यूज विद योर लैपटॉप इज अ पेयर ऑफ हेडफोन्स. एंड आई एम यूजिंग मार्शल मेजर 4 हेडफोन्स विद माय मैकबुक. पिछले काफी लंबे समय से आई was using AirPods Pro with my MacBook, but जब से मैंने इन over the ear headphone पे switch किया है, this is a completely different experience. Earphones, headphones ये कुछ ऐसी चीजें होती है जो अगर अच्छे quality का ना हो तो वो directly तुम्हारे hearing पे effect कर सकती है. इसीलिए I chose to go with Marshall Major 4. और मेरे जैसा एक video editor जो काफी लंबे समय तक headphones को use करता है, I think investing on a good pair of headphone is very important. Marshall की sound quality और cushion quality दोनों ही perfect है. Also इसमें track change करना या volume up down
करना एक काफी यूनिक वे में होता है। अगर तुम्हें वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज करना है, ऑल यू नीड टू डू इज टू पुश दिस बटन अप और डाउन। और अगर तुम्हें प्रीवियस या नेक्स्ट ट्रैक सेलेक्ट करना है, सो यू हैव टू पुश दिस बटन राइट और लेफ्ट, व्हिच आई थिंक अगेन इज समथिंग वेरी कूल। सो दीज आर माय मैकबुक एक्सेसरीज दैट आई यूज एवरी सिंगल डे। अब इन सारी चीजों का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो तुम अपने लैपटॉप के साथ क्या क्या एक्सेसरीज यूज करते हो ये तुम नीचे कॉमेंट सेक्शन में आके बता सकते हो। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पे मैं कुछ कुछ ऐसी चीजें डालता रहता हूँ जो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय। Yeah.